भोग भोग तो अभी रख ले, अरे एक टोपी है इधर कर दूं, बाहर 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 लगाएंगे भोग, बाहर लगाएंगे एक टोपी है इधर करता है, ये लोगे से बात कर रहा हूं अभी तमाम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विट्ठल विपुल बिहारिन दास जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास हरिदास कलेक्टर भी लगाएंगे इसी जगह ठाकुर जी बैठेंगे आप सभी लोग मानसिक तरीके से ठाकुर जी के चरणों में इसी जगह ठाकुर जी बैठेंगे कुंज बिहारी श्री हरदास सभी लोग इसको स्पर्श करेंगे और यहाँ प्रणाम करके हम समर्पित कर रहे हैं। ओम यस्तु।
अंधकारम श्रीमद्गहनं शरणं शरणं प्रपद्ये यं मानसं सुमतयते निधाय सहुजहुश्च अध्याद्य अंधकारं दंशं निर्मलयतां दीपमानं श्रीमद्व्यारी शरणं शरणं प्रपद्ये येन शरणं समदारि विपद्योगो ज्ञानस्पदं सुखमित नूतन विज्ञाय तं तापवारण निवारण संकुशाङ्गं श्रीमद्व्यारी शरणं शरणं प्रपद्ये। ये पुष्प यहाँ ठाकुर जी के समक्ष दिए हैं, यहाँ पर विराजमान कराएंगे ठाकुर जी को। ये बिहारी जी को कराएंगे, ये अभी पहनाई जाएगी ठाकुर जी को। ये बाबा रानी को ये हैं कानों के कुंडल जो कि बिहारी जी को धारण करेंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि कैसे इनकी भक्कर ठाकुर जी के पुलिस पर हवा में झूलती है और आनंदमयी आनंद देती है। और हमारे पास थोड़े थोड़े यहाँ साइड में भी डाल देंगे। ये ठाकुर जी के लिए हमने पूरा सेटअप तैयार कर दिया है कि एज इट इज माला पहनेंगे, और आज का जो श्रृंगार है वो भी बड़ा अनोखा होने वाला है। उसके दर्शन करना भी मत भूलिएगा, रात्रि में YouTube से लाइव आएंगे, क्योंकि आज एक और नया स्वरूप ठाकुर जी को दे रहे हैं। पर वो स्वरूप क्या दे रहे हैं ये थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, और इसलिए सस्पेंस रखते हैं क्योंकि अभी वैसे भी दर्शन खुलने का टाइम हुआ नहीं है। तो अगर आप लोग अगर दर्शन करने आए भी होते तो इस वक्त भी आप लोग दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि अभी श्रृंगार चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन मेरे बांके बिहारी पेज के थ्रू हो रहे हैं तो फिर थोड़ा सा सस्पेंस और बनाते हैं, इसलिए रात्रि तक यानी आरती तक वेट करेंगे, और आरती के बाद हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप लोगों को उसका आनंद नहीं आएगा, लेकिन जब श्रृंगार लगा हुआ होगा, सेटअप लगा हुआ होगा, तब आप लोग इमेजिन कर सकते हो, तब आप लोग अनुभूति कर सकते हो, तब आप लोग आनंद ले सकते हो। और देखिए अभी थोड़ा सा सफाई वफाई करवा देते हैं यहाँ पर फटाफट, ताकि ठाकुर जी के लिए जल्दी से दर्शन खुलने की तैयारी हो जाए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। और आज का फूल बंगला भी देखिए बड़ा सुंदर है। आप लोग जिसके दर्शन कर रहे हैं उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का आनंद ले सकें, क्योंकि जो लोग दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि लास्ट टाइम भी लास्ट ईयर भी मेरे बांके बिहारी के थ्रू आप लोगों को मानसिक दर्शन हुए थे, तो इस बार भी वो दर्शन होंगे। और मैं चाहूँगा कि ऐसी नौबत आगे इन फ्यूचर कभी ना आए कि दर्शन बंद हो और हमें आपको मानसिक दर्शन कराने पड़े। लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसा हमेशा चलता रहे कि आप लोग भी आते रहें दर्शन करने और सुचारू रूप से दर्शन चालू रहें, पर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं एटलीस्ट वो हमारे ज़रिए बिहारी जी को अपने नेत्रों में, अपने आँखों में, अपने नैनों में, अपनी अखियों में इमेजिन करके दर्शन कर सकें, क्योंकि वो दर्शन सबसे अनोखे होते हैं जो आप इमेजिन करते हो। क्योंकि जब आप फिजिकली अपीयर होते हो मंदिर में, फिजिकली प्रेजेंस देते हो अपनी, तब भी आप लोग मानसिक रूप से बहुत लोग नहीं होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी किसी भी चीज़ में, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप दर्शन कर रहे हो, चाहे इवन आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, मानसिक संतुलन सबसे ज़रूरी है और आपकी प्रेजेंस सबसे ज़रूरी है मेंटली। यानी कि आप जिस काम को भी कर रहे हो मन से दिल से करोगे तभी वो चीज़ लगेगी, चाहे ठाकुर जी की पूजा हो, पाठ हो, जाप हो, दर्शन हो, या इवन आपका सोना ही क्यों ना हो। अगर आप सो रहे हो तब भी आपको अपना 100% देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी जो आप पूरे दिन सोच रहे थे। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आप सोचते हो, बहुत लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप पूरे दिन किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, मैं आपको ना इसका एक सॉल्यूशन भी दूंगा। बिल्कुल ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब भी कभी आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दिमाग में परेशानी चल रही है आपको,
तो आप लोग पूरे दिन उस चीज़ को सोचते रहते हो कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम। और वो चीज़ अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि रात में आप कैसे उसको दिमाग से निकाल सको। इसलिए एटलीस्ट सबसे पहले आपको अपने हाथ और पैर दोनों को धोना है ठंडे पानी से, 2 मिनट के लिए ठंडे पानी से आपको धोना है अच्छे से। उसके बाद कुल्ला करना है फेस, आपको सिर्फ पानी से ही वॉश करना है। उसके बाद आपको सोने से पहले ठाकुर जी के एक जाप मतलब माला करनी है, श्री कुंज बैरी श्री अरदास की 108 जाप की एक माला करनी है। लेकिन जिस टाइम पर आप वो माला करो आपके आसपास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आंखें बंद कीजिए, या तो आप ठाकुर जी के साथ उनके रूम में बैठ सकते हो, लेकिन क्योंकि आपने अपने ठाकुर जी को शयन करा दिया होगा इसलिए आप उनको उस टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसलिए आप उनके रूम के बाहर भी कहीं भी किसी भी रूम में एकांत में, सबसे ज़रूरी है एकांत में आप सिर्फ और सिर्फ जाप कीजिए आँखें बंद करके, और जस्ट फील कीजिए कि मैं वृंदावन। पूरी एक माला में ना आपको क्या फील करना है, बड़ी स्पीडली ये चलेगा प्रोसेस जो मैं बताऊँगा, ये बड़ा स्पीडली चलेगा कि आपने या तो एक्सप्रेसवे से एंट्री करी है, नीचे उतरे हैं वृंदावन के लिए टर्न लिया है, या फिर आप NH2 से आए हैं तो आप छठी ग्रह, आप सीधे वृंदावन की गलियों में होते हुए फास्ट 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 बाप बिहारी जी मंदिर में आए, दर्शन बंद है, जैसे ही दर्शन खुल रहे हैं आप लोग वेट कर रहे हैं, आ रहे हैं धक्का मुक्की सब कुछ भूलते हुए आप एकदम सडनली सामने पहुँच गए और आपको ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। वो दर्शन आपको करने हैं, जैसे ही आपने वो दर्शन कर लिए लिख के ले लो, आपकी टेंशन आपको पूरी रात परेशान नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। उसके बाद आराम से सो जाना जाप करके बिहारी जी का नाम लेकर। ये सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ काफ़ी बार, तो इसीलिए किसी भी चीज़ की टेंशन सिर्फ दिन में रखिए, रात्रि में नहीं, सोने से पहले उसको निकालना है। और अगर नहीं निकल रही है तो हम कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। हाँ पर्दा लगाओ, इसको हटाओ ना सर, अरे गद्दी अंदर है, सिंहासन तैयार भयो, गद्दी ना ही अभी ना ही। श्रीमत बिहारी चरणम शरणम प्रपद सर्व कर्म लक्ष्य। अरे चल गया क्या, अभी नहीं चला, बच जाएगी तो बढ़िया। मुश्किल है, अरे बच जाएगी तो बढ़िया।
कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। श्री हरदास फिर से एक बार लास्ट। अब ठाकुर जी आने वाले हैं थोड़ी देर में, यहाँ ठाकुर जी बैठेंगे। उससे पहले आप अपना मानसिक रूप से यहाँ स्पर्श कर लें, फिर हम बाहर चलते हैं। बाहर से आपको दिखाते हैं कुंज बिहारी श्री हरदास। कुंज बिहारी श्री हरदास कुंज बिहारी श्री हरदास। तो बिहारी जी ने बोला बहुत बातें हो गई, पहले अंदर आ और पाग बांध के जाओ। तो ठाकुर जी ने अपनी पाग बंधवा ली। तो जो आज बिहारी जी को स्वरूप दिया है नया,
ये ओ ओ ये देखिए जी, बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही है कि मंदिर में भी पानी आ रहा है। अरे वाह, ये तो भाई सैनिटाइज़र है इस वक्त ठाकुर जी ने चला दिया है, और अब बहुत जल्दी इसका मतलब कोरोना भी दूर होगा। सैनिटाइज कर रहे हैं बिहारी जी, और आनंद आ गया। मतलब आप लोगों से थोड़ा सा ब्रेक लगा, लेकिन पाग बड़ी अनोखी पाग बांधी है आज हमने, तो उसको बांधने में थोड़ा सा वक्त लगा, और लेकिन बांध कर आए हैं। बड़े सुंदर दर्शन होंगे, बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन होंगे आज, और वो हम आपको दिखाएंगे। ये दूध चढ़ाया है भगत ने, गोस्वामी जी नहीं, क्योंकि बाहर तो कोई नहीं आता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, यहाँ दर्शन कर रहे हैं हम गणेश जी महाराज के, और अब चलते हैं ऊपर। तो मैं बता रहा था बड़े सुंदर दर्शन होंगे, और ठाकुर जी को एक स्वरूप दिया है, पर वो क्या स्वरूप है सोचें अभी नहीं बताएंगे, ये बताएंगे YouTube पर। और YouTube पर आप लाइव आना रात्रि 8:45 के अराउंड, मेरे बांके बारी वृंदावन जो हमारा YouTube चैनल है उस पर। वैसे भी सबको पता चल गया होगा, स्पेलिंग यही है, मेरे बांके बारी स्पेस वृंदावन, तो उसमें आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं, और हम उस पर लाइव आएंगे। तो आपको ठाकुर जी का नए स्वरूप के दर्शन होंगे, और वो स्वरूप के दर्शन करने के लिए बिल्कुल आइएगा। और मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार कंप्लीट हो, मैं भी वो दर्शन करूँ। किसी का मैसेज आया मेरे पास, आज के दर्शन की पिक सेंड कर दो। अरे मैंने आज तक कभी सेंड नहीं करी जी। लगता है कुछ लोग ना नए नए जुड़े हैं, या कुछ लोग शायद समझते ही नहीं है, मैंने आज तक कभी फ़ोटो ली नहीं है। जब ली नहीं है तो सेंड कैसे करूँगा मैं? अपने किसी फैमिली मेम्बर को नहीं कराता दर्शन लाइव वीडियो कॉलिंग पे। तो कृपया अपना और मेरा समय वेस्ट ना करें ये बोलकर कि ठाकुर जी के दर्शन करवा दीजिए फ़ोटो लेकर, कतई नहीं करवाऊँगा। यहाँ प्रणाम कीजिए भाई, ऐसा छोरा ना हूँ मैं कि ये अपराध करूँ, ठाकुर जी के उसूलन को, मंदिर के रूलन को उल्लंघन करूं, ऐसा ना करूंगा मैं। यहाँ भी प्रणाम करेंगे। ओहो, आज हमने जैसे दर्शन किए थे सुबह भी, तो बड़े सुंदर दर्शन थे, तब चंदन फ्रेश लगा था, और अब आप लोग दर्शन कर रहे हैं वापस से। यहाँ प्रणाम ज़रूर करेंगे ललिता सखी जी को भी, और स्वामी हरिदास जी को भी, और यहाँ पर भी गोस्वामी जगन्नाथ जी को भी प्रणाम करेंगे। तो यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि मंदिर में कैसे पानी आ रहा है, और हम बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो सामने ठाकुर जी के मंदिर में भी बारिश आ रही है, कहीं ना कहीं से पानी, हवा, ये ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से भी जगह बना लेते हैं। और अभी जो जगह बनाई है इन्होंने, वो देखिए यहाँ से बनाई हुई है। वाह जी वाह, पूरा प्रांगण गीला हो गया है। कोई नहीं जी, ये भी एक अनोखा आनंद है। और मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर भी ना बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई थी, और उस टाइम हम टिकटॉक चलाते थे, और हमने टिकटॉक पे वीडियोस बना के डाला था, बहुत लोगों को पसंद आया था। मंदिर में बारिश का नज़ारा जो देखने को मिला था वो अल्टीमेट था। मैं फिर से आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे से फ़ोटो मत मांगा करिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को मना करना, लेकिन मैं कभी भी फ़ोटो नहीं सेंड कर सकता। मैं अपने किसी फ्रेंड किसी रिलेटिव को सेंड नहीं करता, इवन मैं खुद के लिए भी नहीं सेंड करता, मतलब खुद के लिए भी क्लिक नहीं करता मैं कि मैं कभी बाहर जाऊं या कहीं और जाऊं तो मैं दर्शन करूं, नहीं। और मेरे पास अगर कोई फ़ोटो आती है वायरल होकर, तो मैं उसको हैंड टू हैंड डिलीट भी कर देता हूं, और मैं मना कर देता हूं, कृपया मुझे सेंड ना करें। एक रूल ही तो है, क्या हम एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या हम एक रूल नहीं मान सकते मंदिर का, सिर्फ एक रूल? और बताइए ऐसा कौन सा रूल है जो आपको मैंने फॉलो करने के लिए कहा हो? आप 2 नंबर से एंट्री करो, 3 नंबर से करो, 1 नंबर से करो, 1 नंबर एग्जिट है, कभी ये नहीं बोला कि 1 नंबर से मत करो, मौका मिल रहा है तो 1 नंबर से भी एंट्री कर लो, एग्जिट चाहे, लेकिन एक रूल तो कम से कम मानिए, क्योंकि वो रूल सीधा सीधा बिहारी जी से लिंक है, उस रूल का जो सीधा सीधा इम्पैक्ट है वो बिहारी जी से। तो हम क्यों फोटो लें, हम ठाकुर जी का ही अपराध क्यों करें? अगर हर घर का अपना एक रूल होता है, और ये बिहारी जी का, ठाकुर जी का, बाकी बिहारी जी का घर है, तो उनके घर का रूल तो मानना पड़ेगा ना हमें। उनके घर का रूल नहीं मानेंगे तो फिर क्यों आ रहे हैं उनके घर में? तो कम से कम उनके घर का रूल मानिए, फ़ोटो मत लीजिए, और आपके आपको दिखता है कि कोई और ले रहा है
तो प्लीज़ उसको भी मना कर दीजिए। यहाँ भी पानी आ रहा है, अगर आपको दिखता है कोई ले रहा है परिक्रमा तो एक कर ही लेते हैं यहाँ पर, तो उसको भी मना कर दीजिए, क्योंकि जो एक रूल है सिंगल, उस रूल को तो कम से कम हम मान सकते हैं। और आनंद लेते हैं एक बार, बाहर का नज़ारा भी देखते हैं कि कैसे ओहो बड़ी सुंदर बारिश चल रही है जी वृंदावन में, तो बिहारी जी के मंदिर पे बड़ी प्यारी हवा चल रही है और बारिश भी है। ये असर तो स्टॉर्म का है जो गुजरात वगैरह में, इवन राजस्थान में भी अब अपना असर दिखा रहा है। तो आप लोग इस टाइम दर्शन कर रहे हो बिहारी जी मंदिर के बाहर एक नंबर गेट के, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि बारिश का आनंद भी चल रहा है। मुझे फिर से बुला रहे हैं, चलो चलिए जी, फिर से आवाज़ आ गई है मेरे लिए, तो मैं अब यहाँ पर विराम देता हूँ आज के लाइव सेशन को। वापस से आप लोगों से जुड़ेंगे। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। रात्रि को 8:45 के अराउंड, 8:30 के बाद 8:45 के अराउंड यूट्यूब से लाइव आएंगे हम, तब आप लोग देखिएगा कि कौन से स्वरूप के दर्शन हैं आज बिहारी जी के, देखेंगे ना। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, बिहारी जी इज कॉलिंग मी, बाय।